नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स सर, आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। तो आज दिल्ली और राजस्थान का बड़ा मैच है। मैंने आपको बता दिया है कि भाई आईपीएल का रिकॉर्ड क्या कहता है इन लोगों का। इन दोनों टीमों ने अभी तक 20 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 11 मुकाबले राजस्थान जीती है और 9 मुकाबले दिल्ली जीती है। ऐसे में इस रिकॉर्ड को देखते हुए क्या दिल्ली की टीम कोई चेंज करेगी प्लेइंग 11 में? किस प्लेइंग 11 के साथ दिल्ली की टीम उतर सकती है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजा दीजिए, जो घंटी बज के आती है वो बजा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप इस वीडियो को देख पाएं। आईपीएल की हर छोटी बड़ी खबर से आप रूबरू रहें, आप अपडेटेड रहें, इसलिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, प्लेइंग 11 में पढ़ने जा रहा हूं, सुनिएगा गौर से। शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, ऋषभ पंत, शिमरॉन हेटमायर, मार्कस स्टोइनिस, रविचंद्रन अश्विन, हर्षल पटेल, अक्षर पटेल, कगिसो रबाडा और ऑनरिक नॉर्खिया, यानी कि लगभग वही टीम जो पिछले मैच में खेली थी और पिछले मैच में जीती भी थी। जीत के कॉम्बिनेशन के साथ श्रेयस अय्यर कोई समझौता नहीं करेंगे, वो वही टीम उतारेंगे जो पिछले मैच में जीत दर्ज कर चुकी है। अब ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या कोई चेंज करना चाहिए या फिर आप इस प्लेइंग 11 से संतुष्ट हैं? अगर चेंज करना चाहिए तो वो कौन होना चाहिए, किस खिलाड़ी की जगह होना चाहिए, हमें आप बता सकते हैं कमेंट करके, आप अपनी राय साझा कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कर देंगे तो बहुत बेटर है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, और जब सब्सक्राइब करेंगे तो बगल में घंटी बज जाएगी, उसे भी बजा दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।